हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षता की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते में, या आप बच्चों के लिए इसमें एक रख लीजिए कि शाम को भी बना सकते हैं, मैक्रोनी। बहुत ही सरल है और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली चीज़ है। देखिए, उसके लिए मैं सामग्री क्या क्या हो सकता है। मेरे पास हरी शिमला मिर्च थी तो मैंने वही लिया। आपके पास रेड येलो हो तो आप वो भी ले सकते हो। और गाजर है, इसको मैंने डाइसेस में काट रखे हैं। ज़्यादा मैक्रोनी में ज़्यादा पतली सब्जियां नहीं काटी जाती हैं। ये देखिए प्याज है, प्याज को भी मैंने बड़े साइज में ही काट रखे हैं। इस तरह आप काट लीजिएगा। मैक्रोनी में प्याज ज़्यादा होती है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने दो टमाटर लिए हुए हैं, नमक है, ऑर्गेनो है, काली मिर्च है कुटी हुई। और देखिए, इधर मैंने मैक्रोनी को पहले उबाल के रखा हुआ है, तेल गर्म करने को रख दिया है ऑयल को। इसमें सबसे पहले हम ये गाजर डालेंगे। जो थोड़ी सख्त सब्जियाँ होती हैं उनको हम पहले डालते हैं। इसी समय हम मतलब आधे सेकेंड एक सेकेंड के लिए भी हम गाजर को पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। और प्याज शिमला मिर्च को डाल, ज़्यादा गली सब्जियाँ नहीं अच्छी लगती, थोड़ा फ्रेंड से रहता है सब्जियों में तभी अच्छा लगता है। देसी स्टाइल से बनाइए, घर पर कोई भी जंक फूड है उसका स्वाद ही अलग आता है, क्योंकि वो देसी स्टाइल से होता है और अपन लोग का देसी स्टाइल सबसे बेस्ट है। इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी डाली, बच्चों का खाना इससे कम होगा। और आप लोग ऊपर से अपने हरी मिर्च ले लीजिए, हल्का सा गर्म रखिए। बस इस कलर से मुझे भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। और थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, डालिएगा। थोड़ा सा इसमें हम केचप डालेंगे, थोड़ा
आज मैं आपको एक हंड्रेड नूडल्स का पेस्ट बताऊंगी जो आपको मटन नूडल्स बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और मैं आपको चीज़ की जरूरत पड़ेगी। उससे इतना अच्छा टेस्ट आता है। घर में जो मलाई बनती है ना, आप उसको डाल के खाइए, बहुत ही बहुत ही अच्छा टेस्ट। तो हमारी मैकरोनी बन के रेडी हो गई। इसी तरह आप बनाइएगा। देखिए फिर बन के रेडी हो गई है। मेयोनीज की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे ही घर पर मलाई निकालिए, इसका टेस्ट और फ्रेश चीज़ तो बात ही अलग है। आप इसको इस तरह इस पर डाल लीजिए अच्छे से। अच्छे से मलाई डालिए, मलाई डालने में कंजूसी मत कीजिएगा। और थोड़ा सा फिर हम इस पर केचप और मिलाएंगे। थोड़ा सा हल गया ना, थोड़ी सी काली मिर्च, कितना आपको तीखा रखना। ये लीजिए हमारी होममेड मैक्रोनी रेडी हो गई है, जो कि आप बाहर की मेयोनीज से ये घर की मेयोनीज होममेड मेयोनीज बोलिए मलाई से आप टेस्ट करिएगा डाल के, बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही अच्छा है। झटपट बनने वाली नाश्ता है ये, आप घर पर बनाइए बच्चों के लिए सबको। गाइस मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपको मैक्रोनी पसंद आई हो तो कमेंट्स भी करिएगा कि आपने घर में बनाई, टेस्ट किया, कैसी लगी आपको। थैंक यू गाइस, बाय।